वेलकम टू आवर चैनल फैंटेसी फॉर्च्यून इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान एशिया कप मैच जो ही खेला जाएगा शारजा क्रिकेट ग्राउंड में क्या हो सकती है पॉसिबल प्लेइंग इलेवन कौन से चेंजेस हो सकते हैं क्या रहेगी है? स्मॉल लीग की टीम ग्रैंड लीग की क्या टीम्स रहने वाली है सब हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे तो पूरी वीडियो देखिएगा आपको मजा आने वाला है अगर आप लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है फैंटेसी फॉर्च्यून के नाम से है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथ के साथ में कमेंट

स्पिन को मदद मिली है और स्पिनर्स ने भर भर के विकेट निकाले हैं तो स्पिनर्स के लिए जो है अच्छा ग्राउंड अभी तक रहा है और क्योंकि दोनों टीम के पास अच्छे स्पिनर्स भी हैं सो आज भी ऐसा लगता है स्पिन टू विन ये गेम हो सकता है और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक रन तक जो है इस मैच में भी बन सकते हैं बात करते हैं अफगानिस्तान की सो यहां पर कोई चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि टीम काफी अच्छा खेल रही है दोनों मैचेस में काफी अच्छे तरीके से विन किया है तो यहां पर कोई चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है श्रीलंका की भी बात करें श्रीलंका की तरफ से भी कोई चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है टीम चाहे तो यहां पर मधुशंका की जगह अगर टीम चाहे तो चेंज कर सकती है लेकिन लास्ट मैच जीतकर आ रहे हैं और काफी अच्छा विन जो था काफी रोमांचक मैच हुआ था सो यहां पर अगर मधुशंका की जगह चेंज कर सकते हैं तो कर सकते हैं अदरवाइज यहां

बात करते हैं अफगानिस्तान की तो जजाई ओपन करेंगे यहां पर गुरबाज के साथ जजाई का बताऊं दोनों मैच में डीसेंट परफॉर्मेंस इन्होंने रही है पिछले मैच में तीस पॉइंट दिए हैं उससे पहले जो है चौवन पॉइंट्स दिए थे और एक डिसेंट पिक बन जाती है स्मॉल लीग में क्योंकि अच्छा कर अब यहां पर जब इनका मैच हुआ था ऑलरेडी इन दोनों टीम्स के बीच में एक मैच हो चुका है जो बहुत आसानी से अफगानिस्तान जीत गई थी तो उस मैच में भी अच्छा किया था जजाई ने हाँ स्टार्टिंग में इन्हें तिक्षणा से खतरा जरूर हो सकता है स्पेशली शारजा में सो इस चीज का

ये प्लेयर काफी अच्छे हैं आप इनको बिल्कुल अपनी टीम में ले सकते हैं क्योंकि टेक्निक बहुत अच्छी है वहां पर जैसे अगर आप दूसरे प्लेयर देखो वो आड़े शॉट काफी खेलते हैं लेकिन इनकी टेक्निक अच्छी है सो तो थोड़ा सा बैक आप उस चीज पर कर सकते हो आप एक ओपनर को ड्रॉप करके शाहौद तो इब्राहिम जादरान आप अपनी टीम में रख सकते हो और कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में ट्राई किया जा सकता है करीम जन्नत दोनों मैच में बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं मिली है बट ग्रैंड लीग के लिए अच्छी पिक है क्योंकि अभी तक हुआ क्या है कि अफगानिस्तान मैचेस आसानी से जीत गई हैं ठीक है ना जो लास्ट मैच भी था जो श्रीलंका से मैच जो इनका बांग्लादेश से मैच था वो मैच फंस गया था लेकिन विकेट ज्यादा नहीं गिरे थे सो तो करीम जन्नत की बैटिंग उसमें नहीं आई थी लेकिन करीम जन्नत प्लेयर काफी अच्छे हैं ठीक है सो तो ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर लेना क्योंकि अभी तक चांस ही नहीं मिल रहा है लेकिन ये वाला मैच जो है मुझे लगता है एक अच्छा एनकाउंटर होगा सो तो करीम जन्नत ग्रैंड लीग में ट्राई आप कर सकते हैं स्मॉल लीग में तो रिस्क रहेंगे नजीबुल्लाजरान लास्ट मैच में बहुत तगड़ी पारी खेली सत्तर पॉइंट्स दे गए और अफगानिस्तान को जिता भी दिया छक्के काफी लगाए थे सो अगर यहां पर अफगानिस्तान की पहले बैटिंग आती है तो जादरान जो है वो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, क्योंकि लोअर ऑर्डर में आके अच्छी खासी पिटाई कर देते हैं सेकंड इनिंग्स में आप जो है जजाई को ज्यादा प्रेफरेंस या ओपनर्स को ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हो जादरान के ऊपर मोहम्मद नबी मोहम्मद नबी ने चौहत्तर पॉइंट्स दिए थे जब ये लोग आपस में खेले थे पहला मैच और इम्पॉर्टेंट पिक रहेंगे क्योंकि बॉलिंग कर रहे हैं पूरे अपने लगभग कोटा के तीन से चार ओवर कर ही रहे हैं प्लस आपको बैटिंग और फील्डिंग से ही पॉइंट्स देते हैं तो एक अच्छी चॉइस बन जाती है स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन की ओमर जाय ओमर जाए अगेन ग्रैंड लीग में सजेस्ट करूंगा प्लेयर टैलेंटेड है लास्ट मैच में लास्ट ओवर भी इन्होंने किया था सो इनसे एक दो ओवर की उम्मीद रखो लेकिन विकेट्स निकाल सकते हैं प्लेयर बुरा ये नहीं है टैलेंटेड प्लेयर है करीम जन्नत की की तरह लेकिन चांसेस उतने नहीं मिल रहे हैं लेकिन आपको क्या होता है कि ग्रैंड लीग में आपको यही प्लेयर जिताते हैं कि आपने इनको लिया और ये लास्ट सपोज ये लास्ट ओवर इस मैच में भी कर गया और उसी में एक दो विकेट निकाल गया तो वो जो डिफरेंस है ना ग्रैंड लीग में वो ऐसे प्लेयर ही डालते हैं सो आप इन्हें ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो

और यहां पर जब ये इनका मैच शारजा में हुआ उस मैच में इन्हें विकेट नहीं मिला था सो ये इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप ग्राउंड पे देखो तो उतनी विकेट नहीं मिले थे लेकिन अगर आप अगेंस्ट दी ओपोनेंट देखो तो एक पॉइंट देकर आ रहे हैं लेकिन अगर पहले बैटिंग आती है शी, आ, यहां पर श्रीलंका की तो उस केस में आप फैजल फारूकी को अपनी टीम में जरूर रख सकते हैं नवीन उलक एक कार्ड पिक साबित हो सकती है अगर अफगानिस्तान की पहले बॉलिंग आती है क्योंकि डेथ में बॉलिंग करते हैं और स्लोवर वन से विकेट निकाल सकते हैं तो ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर लेना इवन स्मॉल लीग में भी कंसिडर कर सकते हो लेकिन थोड़ा रिस्क रहेगा डेथ बोलर की बात करें नवीन उलक और फारूकी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करें सुजाई गुरबाज नबी जादरान राशिद खान मुजीब और फारूकी श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की तरफ से निशंका और मैंडिस ओपन करेंगे निशंका इस टीम के स्टिल मुझे लगता है बेस्ट बैट्समैन है अभी तक दोनों मैच में ज्यादा कुछ किया नहीं है लेकिन उम्मीद है इस मैच में अच्छा कर सकते हैं क्योंकि ये प्लेयर में टैलेंट है और बड़ी इनिंग्स ये खेलता है और ये आपके लिए आज के मैच की सबसे बड़ी ट्रम कार्ड पिक हो सकती है क्योंकि काफी लोग जो है इनको ड्रॉप करके आएंगे लेकिन ये अच्छा कर सकते हैं सो आपके लिए एक अच्छी डिफरेंशियल पिक और ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं कुशल मैंडेस लास्ट मैच में काफी अच्छे इनिंग खेल कर आ रहे हैं लेकिन जब अगेंस्ट अफगानिस्तान सिर्फ दिए थे विकेट कीपिंग कर रहे हैं प्लस ओपन कर रहे हैं सो एक अच्छी अच्छी पिक पिक बन जाती है स्मॉल लीग में यहां पर चरित असलंका असलंका बहुत बहुत बड़ी बहुत ट्रम्प कार्ड ये भी होंगे असलंका और निशंका दोनों क्योंकि इस टीम में अगर आप बैट्समैन देखो ये दोनों बेस्ट बैट्समैन आते हैं असलंका ने रेगुलर परफॉर्मेंस दी है लेकिन पिछले दो मैच में बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं पांच पॉइंट और दो पॉइंट लेकिन ये प्लेयर है जो अच्छे रन आपको बनाकर दे सकता है और ये मैच भी कुछ ऐसा है कि अगर आप रिस्क लेते हो तो हाई रिवॉर्ड मैच में आपको मिल सकते हैं सो श्रीलंका ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना है इवन स्मॉल लीग में थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो फोर मेंबर इलेवन मेंबर इस टाइप के कॉन्टेस्ट मिनी ग्रैंड लीग खेल रहे हो सो उस केस में भी आप अश्लंका को अपनी टीम में ले सकते हो बात करते हैं गुनाथ की दोनों मैच में कुछ खास परफॉर्मेंस दी नहीं है प्लस मिडिल ऑर्डर में मिडिल ऑर्डर में जो है स्पिन का टाइम चल रहा होगा और वहां पर मदद है सो हल्के से रिस्की पे कि ये बन जाते हैं प्लेयर अच्छे हैं क्योंकि ताबड़तोड़ खेलते हैं सेम यहाँ पर राजा पक्षा की तरह आ, लेकिन इतनी फॉर्म अच्छी नहीं है सो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो स्मॉल लीग में थोड़ा रिस्क हो सकता है राजा पक्षा की बात करें जब आपस में खेले थे तो काफी रन करे थे और ये चौके छक्के लगाते हैं अगर इनकी ढंग से बैटिंग आ जाए तो ये अच्छा कर सकते हैं बट अगेन कंसिडरिंग की जो ग्राउंड है ग्राउंड में मिडिल ऑर्डर में स्पिनर्स का दबदबा हो सकता है यहाँ पर इनको जहां तक राशिद खान बॉलिंग कर रहे होंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है बट स्टिल राजा पक्षा जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है सो तो इनको चाहो तो ट्राई जरूर कर सकते हैं बात करते हैं शानखा की टीम के कैप्टन है लास्ट मैच में बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स भी खेली थी बासठ पॉइंट देकर गए थे सरप्राइज हूं कि अभी तक बॉलिंग इन्होंने नहीं करी है सो तो बॉलिंग किसी भी मैच में कर सकते हैं अगर यहाँ पर श्रीलंका की पहले बैटिंग आती है तो शानखा को ट्राई कर सकते हो प्लेयर इनके बहुत तगड़े प्लेयर है मैच विनर खिलाड़ी हैं प्रॉब्लम यह है कि बैटिंग काफी नीचे आती है सो तो वो एक रिस्क रह जाता है कि अगर टॉप ऑर्डर फायर कर गया तो शनाखा की बैटिंग उतनी नहीं आएगी प्लस अभी तक बॉलिंग भी नहीं की है हसरंगा कैप्टन वाइस कैप्टन की काफी अच्छी चॉइस दोनों मैच में अच्छे पॉइंट दिए हैं और बैटिंग से भी रन करते हैं विकेट्स भी निकालते हैं सो एक अच्छी चॉइस कैप्टन कैप्टन वाइस की बन करुणा रत्न ने दोनों मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी है इक्यानवे पॉइंट्स और चवालीस पॉइंट्स अगर श्रीलंका की पहले बॉलिंग आती है सो करुणा रत्न अच्छी पिक बन जाते हैं क्योंकि डेथ में बॉलिंग करते हैं और बैटिंग तो ये अच्छी कर ही लेते हैं लेकिन अगर आ, यहाँ पर श्रीलंका की बाद में बॉलिंग आती है तो उस केस में जो है एक अगर रिस्क लेना चाहो तो ड्रॉप किए जा सकते हैं लेकिन पहली इनिंग में बिल्कुल नहीं क्योंकि पहली इनिंग में डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो उस केस में विकेट्स निकाल लेंगे महेश तक्षण ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन की बहुत अच्छी चॉइस सिलेक्शन कम है इवन ये स्मॉल लीग भी आपको विन करवा सकते हैं क्योंकि ये टीम के काफ़ी अच्छे स्पिनर हैं रेगुलर खेलते हैं लास्ट मैच में भी इकतालीस पॉइंट दिए हैं लेकिन सिलेक्शन इनका कम है और शारजा में मदद है स्पिनर्स के लिए इस चीज़ के वजह से कह रहा हूँ सो तो ये अच्छा कर सकते हैं तक्षणा असिता फर्नांडो लास्ट मैच खेले थे पैंतीस पॉइंट देकर गए थे इन्होंने बॉलिंग एक्चुअल में देखा जाए ना तो अच्छी करी थी सो तो अगर श्रीलंका की पहले बॉलिंग आती है तो असिता फर्नांडो को ट्राई किया जा सकता है क्योंकि स्टार्टिंग में ही बॉलिंग करेंगे प्लस फिर डेथ में बॉलिंग करेंगे

पर इब्राहिम जादरान को कर सकते हो निशंका और असलंका ये प्लेयर जो है इस ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस बन जाते हैं चलिए क्रिएट करते हैं अपनी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स विकेट कीपिंग सेक्शन में हमारे पास मैंडिस और गुरबाज हैं दोनों ही अच्छे खिलाड़ी हैं दोनों ने पॉइंट्स भी दिए हैं सो so, अभी के लिए मैंने दोनों को लिया है लेकिन मैं किसी एक को ड्रॉप कर सकता हूँ स्पेशली अगर कोई टीम चेस कर रही है उस टीम का प्लेयर तो ऐसा मैं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कोई एक इनमें से आज चलेगा आ, लेकिन क्योंकि विकेट कीपिंग कर रहे हैं और दोनों से एक ऑप्शन है सो so, अभी के लिए मैंने दोनों को अपनी टीम में रखा है बात करते हैं बैटिंग में सो बैटिंग सेक्शन में मैंने यहाँ पर जजाई को लिया है आ, जादरान को लिया और निसंका को लिया है यहाँ पर अगर आ, नजीबुल्ला जादरान को भी हम ले सकते हैं अगर अफगानिस्तान की पहले बैटिंग आती है सो हल्का सा जो है टॉस के ऊपर डिपेंड करेगा ये चीज सो जादरान एक अच्छी पिक है उनको आप ले सकते हो राजा पक्षा एक अच्छी पिक है रन करे थे जब आपस में खेले से सो एक वो अच्छी पिक है निसंका की चा, जगह चाहे सो आप यहाँ पर जादरान या राजापक्षा को ट्राई कर सकते हो लेकिन मैं निशंका के साथ गया हूं चरित असलंका भी अच्छी पिक है क्योंकि प्लेयर बहुत शानदार हैं ये सो एक अच्छी पिक आपके लिए बन जाते हैं गुना तिलका को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में चलें सो मैंने यहाँ पर नबी करुणा रत्न और हसरंगा तीनों को अपनी टीम में रखा है यहां पर आप चाहें तो शानाका को भी ट्राई कर सकते हैं करीम जन्नत और ओमर जाए ये वो खिलाड़ी हैं जो दो दो तीन तीन परसेंट का सिलेक्शन है ज्यादा सिलेक्शन नहीं होगा ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना है बॉलिंग सेक्शन में बात करें सो बॉलिंग सेक्शन में मैंने यहाँ पर राशिद खान को भी अपनी टीम में लिया है मुजीब को लिया है अब एक प्लेयर और लेना है सो यहाँ पर मैंने तीक्षणा को लिया है फारूकी भी एक अच्छी पिक बन जाते हैं सो फारूकी को भी आप ले सकते हो फर्नांडो ने लास्ट में आज बॉलिंग अच्छी करी थी सो उनके ऊपर इनके साथ बिल्कुल जा सकते हैं नवीन उलक अगर अफगानिस्तान की पहले बॉलिंग आती है जो डेथ में बॉलिंग करते हैं सो एक अच्छे पिक बन जाएंगे सो ये बन जाती है हमारी स्मॉल लीग की टीम इसमें एक से दो चेंज होंगे एक विकेट कीपर की जगह हम चाहें तो एक्स्ट्रा बोलर लेकर चल सकते हैं सो वो डिसाइड करेंगे टॉस पर तो फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी सो so, टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की सो so, कैप्टन मैंने हसरंगाओ किया है वाइस कैप्टन मैंने राशिद खान को किया है बात करते हैं आप ग्रैंड लीग टीम्स की सो so, दो टीम्स क्रिएट करिए मैंने आपके लिए सो so, टीम वन की बात करें टीम वन हमने यहाँ पर मोहम्मद नबी को कैप्टन किया है और हमने तीक्षण को वाइस कैप्टन किया हुआ है ए फर्नैंडो को भी हमने अपनी टीम में रखा है असलंका और निशंका भी दोनों हमारी सेम टीम में आ जाते हैं सो काफी एक यूनिक टीम ये बन जाती है टीम टू की बात करें टीम टू जो है हमने थोड़ा सा कि जो पिछली मैच की परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर बनाई है कि जजाई ने भी अफगानिस्तान यहाँ पर श्रीलंका के अगेंस्ट अच्छा किया था यहाँ पर फारूकी ने भी चार चार विकेट निकाल लिए थे वही हमने कैप्टन वाइस कैप्टन किए हैं जीव राशिद तीक्षणा ये कॉमन पिक बन जाती है इस टीम में हमने राजा राजापक्षा को भी रखा है सो ये बन जाती है हमारी टीम टू। आप इसी तरीके से मल्टीपल टीम्स भी क्रिएट कर सकते हैं और किसी एक प्लेयर को भी मल्टीपल टीम्स में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है पसंद आई है सो लाइक करो शेयर करो कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से कौन जीतेगा क्या अफगानिस्तान ये मैच भी आसानी से जीत जाएगी या फिर श्रीलंका इस मैच में अच्छा कम करने वाली है कमेंट करके जरूर बताना साथ के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी थैंक यू गाइज